भारत और नेपाल के रिश्ते मजबूत होने के बजाय दिन ब दिन कमजोर पड़ रहे हैं। नेपाल भी भारत के खिलाफ कहने या कुछ करने में जरा भी संकोच नहीं कर रहा। अब इस बीच नेपाल ने कुछ भारतीय मीडिया चैनलों पर अपमानजनक कंटेंट दिखाने को लेकर भारत को एक डिमार्श जारी किया है। दिल्ली में नेपाल दूतावास ने विदेश मंत्रालय को एक पत्र सौंपते हुए कहा है कि कुछ भारतीय मीडिया नेटवर्क में अपमानजनक कंटेंट नेपाल भारत के संबंधों में खलल डालते हैं। इससे पहले नेपाल ने अपने यहाँ भारतीय चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। नेपाल का आरोप है कि भारतीय चैनल उसके खिलाफ अपमानजनक कंटेंट दिखा रहे हैं। एक आदेश में नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया था। नेपाल का आरोप है कि भारतीय चैनल भारत नेपाल के मुद्दे को गंभीरता से नहीं दिखा रहे। नेपाल में लोगों ने भारत के इस कदम की काफी आलोचना की थी, जिसके बाद सरकार ने यह आदेश जारी किया। भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध का फैसला विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स यानी MSO की ओर से भारत के राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क दूरदर्शन को छोड़कर सभी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी गई है। नेपाल में भारतीय मीडिया चैनलों के खिलाफ नाराजगी देखी गई, जिसमें कुछ रिपोर्टों में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और नेपाल में चीन की राजदूत हो यांकी सहित कई नेपाली नेताओं पर गंभीर सवाल उठाए गए। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से भारत के साथ चल रहे विवादों को दरकिनार कर नेपाल के प्रधानमंत्री भी इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की जल्द ठीक होने की दुआ करते नजर आ रहे। नेपाल के PM KP शर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि भारत के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ।